तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपना सिर्फ 10 सेकंड के अंदर अपना QR कोड कैसे बना सकते हो। तो मैं अभी आपको मोबाइल के डिस्प्ले पर लेके चलता हूं और मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर लेके चलने वाला हूं। और आप ये जो बार कोड देख रहे हो ना भाई, ये अभी मैं आपको जनरेट करके दिखाने वाला हूं। और अगर आप अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का या अपनी वेबसाइट्स का या ब्लॉग्स का आप भी अब यहाँ पर QR कोड बनाना चाह रहे हो, या अपने जो बॉक्स बनाया होता है, जो कोई अपना प्रोडक्ट बेचता है वहाँ पे अपना बार कोड लगाना चाहते हैं, वो कैसे जनरेट करें, मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड से 15 सेकंड के अंदर आपका QR कोड जनरेट करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना मोबाइल ले लेता हूँ यहाँ से और इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ इस तरह की एप्लीकेशन ओपन होकर के आ जाएगी, आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा इसका, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस होगा। तो कुछ ऐड भी आ जाएगा, तो भाई ऐड को स्किप कर देना। यहाँ से स्किप करने के बाद इसके अंदर कुछ चार क्वेश्चंस यहाँ पर इन्होंने चार दिए हुए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं उनको। उसके ऊपर लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ, क्रिएट QR कोड, क्रिएट बार कोड, डेकोर कोड एंड माई QR कोड। अभी मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ QR कोड। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, क्रिएट QR कोड, ठीक है। क्रिएट QR कोड करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस दिखने के बाद उसमें से आप इसको जो एरो दिख रहा है नीचे की तरफ को, उसको नीचे कर लेना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, ठीक है। उसमें लिखा हुआ वेबसाइट, वाईफाई, व्हाट्सअप, कॉन्टैक्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फ़ोन, यूट्यूब, मेल, शॉपिफाई, टिकटॉक, SMS, ट्विटर, लाइन, कैलेंडर्स, वाइबर्स, मतलब बहुत सारे इसके अंदर सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस हैं। तो मैं अभी यहाँ से जनरेट करके दिखाने वाला हूँ भाई। तो मैं इंस्टाग्राम पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम का आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हमारा ऊपर इंस्टाग्राम आ गया, और नीचे मैं यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम लिख देता हूँ। यूज़र नेम है MOHD मोहम्मद अलीम ऑफिशियल। तो यहाँ पर मैंने ये अपना वो डाल दिया, अपना इंस्टाग्राम की ID, और मैं अभी इसको यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद ये देखो, सिर्फ हमारा 5 सेकंड भी नहीं लगी भाई और हमारा QR कोड स्कैन, सॉरी हमारा बारकोड बन चुका है। यहाँ पर बारकोड भी बोलते हैं, सो QR कोड भी बोलते हैं। अगर आप अब किसी भी एप्लीकेशन से QR कोड स्कैनर से आप इसको स्कैन करोगे, तो भाई मेरा तुरंत एकदम मेरा इंस्टाग्राम खुल करके वहाँ पर आ जाएगा। तो भाई अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं इस एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं और आप भी इसको मोबाइल से अपना QR कोड बना सकते हैं। वो भी सिर्फ 10 सेकंड के अंदर मैंने आपको QR कोड जनरेट करना बता दिया। तो ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और इसका फ़ायदा उठाओ भाई। बार कोड आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई बार कोड क्या होता है, हम हर किसी प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड देखते हैं लगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप इसके अंदर भी कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन रखना चाह रहे थे, तो आप उसके अंदर ऑप्शन भी था एक टैक्स का, तो वहाँ पर टैक्स लिख के अगर जो कोई भी आपका बार कोड स्कैन करता, तो वहाँ पर जो आप टैक्स लिखते हैं वो आपको उसको मैसेज मिल जाता। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।